हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट 5 को, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट के एग्जाम के लिए। तो इस मॉक टेस्ट में मैंने पूरे जो मैथ है और हमारे पास रीजनिंग है, तो सभी टॉपिक्स को मैंने अच्छे से कवर किया है और हर एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। तो चलिए मॉक टेस्ट 5 को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले एक बात कर लेता हूं आप लोगों से कि मैंने देखा है कि हमारे चैनल पे 70% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सबसे पहले सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लाइक देंगे और ज्यादा से ज्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, जो कि आपको हेल्प करेगी हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम के लिए। राइट, तो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं पर आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए मेरा भी मन फिर नहीं करता है वीडियो बनाने का। अगर आप मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट 5 जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो मॉक टेस्ट 5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो रहा ये है हमारे पास एवरेज का क्वेश्चन। राइट, यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर 20 बॉयज एंड 30 गर्ल इन अ क्लास, द एवरेज स्कोर ऑफ बॉय इज 25 एंड गर्ल इज 40, देन व्हाट विल बी द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास। ये हमारे से तो यहाँ पे देखिए किस किस की बात हो रही थी, एक हो रही थी बॉयज की बात और एक हो रही थी गर्ल्स की बात। राइट, तो देखिए जो बॉयज कितने थे, यहाँ पे बॉयज थे हमारे पास 20 और गर्ल्स थी 30। राइट, और इसके बाद बोला था कि एक जो बॉय है उसके एवरेज कितने हैं, यहाँ पे 25 दी हुई थी। राइट, और जो एक गर्ल है उसकी एवरेज कितनी है, 40 दी हुई थी। राइट, जब भी हम नंबर ऑफ पर्सन को मल्टीप्लाई करेंगे उनकी एवरेज से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उनका टोटल स्कोर आ जाएगा इस केस में। राइट, तो टोटल स्कोर क्या आएगा, बॉयज़ का 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो बॉयज़ का स्कोर आ जाएगा 500, और इसी तरीके से जब हम गर्ल को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल गर्ल को मल्टीप्लाई करेंगे वन गर्ल की एवरेज से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे गर्ल्स का टोटल स्कोर आ जाएगा। तो गर्ल्स का टोटल स्कोर कितना होगा, 1700, गर्ल्स का टोटल स्कोर हो गया हमारे पास 1200। राइट, तो अब हम जब हम टोटल स्कोर करेंगे पूरी क्लास का तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1700 आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है क्लास में वो कितने थे, 20 हमारे पास बॉयज थे और 30 कितने थी, गर्ल्स थी। तो टोटल जो स्टूडेंट थे वो कितने आ गए, यहाँ पे 50 आ गए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्लास में थे वो कितने थे, 50 थे, और उनकी जो स्कोर थे वो कितना आ गया, 1700 स्कोर किया कितने, 50 बच्चे ने। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, एक बच्चे का जो है एक स्टूडेंट की एवरेज निकाल लेंगे। तो एक स्टूडेंट की कैसे निकलेगी, 50 को हम नीचे ले जाएंगे 1700 के, तो उससे क्या आ जाएगी, एक स्टूडेंट की एवरेज आ जाएगी। तो 1700 डिवाइड बाय 50, तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक स्टूडेंट की एवरेज आ जाएगी। तो हमारे से पूछी भी क्या थी, एक स्टूडेंट की एवरेज बताइए। तो जब हम 5 से काटेंगे तो 5 से 15 और बचे 2, यहाँ पे 0 बन गया, तो 5 का कितना होता है 20। तो एक बच्चे की एवरेज कितनी आई, यहाँ पे 34 आ गई, 34 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट, तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन एवरेज का, और एवरेज के आएंगे आपको 2 क्वेश्चन HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। राइट, एक आएगा आपको DI में और एक नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। राइट, तो जो सेकंड क्वेश्चन लिया हमने वो है हमारे पास DI का। DI आएगा आपको जो है 5 से 10 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। आपको 2 DI देखने को मिलेंगे एग्जाम में, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है DI की। राइट, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है बार चार्ट गिवन बिलो सोज स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर 3 डिफरेंट एग्जाम्स, SSC, बैंक और रेलवे इन 5 डिफरेंट ईयर। यहाँ पे बात हो रही थी, इस जो हमारे पास ये डायग्राम दिया है इसमें जो है स्टूडेंट एनरोल हो रहे हैं किसमें, बैंक के एग्जाम में, SSC के एग्जाम में, और जो है रेलवे के एग्जाम में स्टूडेंट जो है रजिस्टर्ड हो रहे हैं। राइट, कौन कौन से ईयर में, 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में और 19 में, 5 ईयर में हो रहे हैं। राइट, तो हमारे से अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ये हमारे पास हो गया यहाँ पे जो डायग्राम में दिया था वो गिवन। अब हम प्रोसीड करते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स रजिस्टर फॉर ऑल 3 एग्जाम इन 2015 एंड 2016 टुगेदर टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर फॉर ऑल 3 एग्जाम इन 2017 एंड 18। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि 2015 प्लस जो 2016 वाले स्टूडेंट है उनकी रेशो बताइए किससे, जो 2017 और प्लस 2018 में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। राइट, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा था। तो अब हमें पता होना चाहिए क्या, यहाँ पे पता होना चाहिए 2015 में कितने स्टूडेंट थे और 16 में कितने थे, 17 में कितने थे और 18 में कितने थे। तो ये देखिए हमारे पास ये हमारे पास डायग्राम पूरा दिया हुआ। तो ये वाला सेक्शन है हमारे पास तीनों का,
बैंक एसएससी और रेलवे का, इसमें तीनों एग्जाम की बात हो रही है 2015 के, ऐसे ही तीनों एग्जाम की बात हो रही थी 2016 में, तो हमें तीनों एग्जाम को प्लस करके जो है 2015 का निकलेगा, 2016 का निकलेगा, इसी तरीके से 2017 का निकालेंगे और 2018 का भी निकालेंगे। देखिए 2015 में कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो रहे थे तीनों एग्जाम में, तो देखिए हमारे पास फर्स्ट में हो रहे थे 2015 में, ये हो रहे थे हमारे पास 15 + 30 + 25, तो हमारे पास क्या हो रहे थे हमें 15 + 30 + 25, राइट, ये हो रहे थे 2015 में। 2016 में कितने हो रहे थे यहाँ पे, ये है अब हमारे पास 2016 वाला सेक्शन, तो यहाँ पे देखिए 2016 में कितने हो रहे थे, यहाँ पे हो रहे थे पहले 25 फिर 40 और फिर 35, तो कितने हैं यहाँ पे 25 + 40 + 35, राइट। तो जब हम 2015 वालों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 + 5 = 10 = 0 = 1 और 2 + 2 = 4 + 1, ये हो गया हमारे पास 70। 2015 में कितने स्टूडेंट रजिस्टर कर रहे थे, 70 कर रहे थे, और 2016 में जो है हमारे पास जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 100, तो 2016 में 100 ने रजिस्टर किया, तो 2015 और 16 में कितने रजिस्टर किया, टोटल 170 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया, राइट। इसी तरीके से देखिए हमारे पास 2017 में कितनों ने किया, तो 2017 में तीनों एग्जाम में जो है कितने स्टूडेंट ने रजिस्टर किया, यहाँ पे देखिए पहले थे 35 फिर उसके बाद 50 और उसके बाद आते हैं जी हमारे पास यहाँ पे 35, तो ये कितने थे हमारे पास 35, 50 और 35, राइट, ये थे हमारे पास 2017 में, प्लस 2018 में कितने स्टूडेंट ने एनरोल किया, तो ये था हमारे पास 2018 का जो है ग्राफ। तो इसमें देखिए 40 फिर उसके बाद 55 और उसके बाद आता है 40, तो कितने थे 40, 55 और 40, राइट। तो जब हम इनका प्लस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5, 5 + 9 = 4, 13 = 135 और इधर कितना है 5 + 10 = 0 = 5, 3 + 8 = 3 = 11 + 1 = 12 = 120 आ गया, राइट। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5 + 3 = 2, 5 + 1 = 1, 2, तो ये आ गया हमारे पास 170 = 255, ये हमारे पास आई इनकी रेशो। तो अगर हम इनको 5 से काटते हैं तो 5 + 3 कितना होता है 15 और यहाँ पे रिमेनिंग बचत है 2, 5 + 4 कितना होता है 20, तो यहाँ पे आगे 34। अभी इधर काटेंगे 5 से तो 5 × 5 = 25 होता है 25 और 5 × 5 51 आ गया, तो यहाँ पे देखिए 17 × 2 कितना होता है 34 और 17 × 3 कितना होता है 51, राइट। तो हमारे पास रेशो निकल के क्या है 2:3, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो है 2:3, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारे पास डीआई का क्वेश्चन, तो डीआई आपको देखने को मिलेगा 5 से 10 मार्क्स का, तो डीआई की ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें और मैं अच्छे से अच्छे मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक कमेंट करके जरूर मुझे बताइए कि सर हाँ हमें वीडियो अच्छी लग रही है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, राइट। तो यहाँ पे दिया है ये वाला क्वेश्चन मार्क और ये हमारे पास कुछ वैल्यू दी है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस यहाँ पे क्या था 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 अपॉन यहाँ पे हमारे पास 9 का स्क्वायर था कितना होता है 9 का स्क्वायर 81 होता है माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है 9 राइट इज इक्वल टू एक्स क्योंकि इसकी वैल्यू हमने निकालनी थी। तो देखिए अब हम माइनस करेंगे 144 से 16 को, 144 से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 128 आएगा अपॉन 81 से माइनस करेंगे 9 को तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 72 आएगा। जब हम इन दोनों को काटेंगे 2 से तो यहाँ पे आएगा 36 × 2 = 72 होते हैं और यहाँ पे होगा 6 और 4 = 64 राइट। अब इसको अगेन 2 से करेंगे तो 18 × 2 = 36 होते हैं यहाँ पे आएगा 32 राइट। अगेन 2 से करेंगे तो 9 × 2 = 18 और 16 × 2 = 32 और फिर उसके बाद हमारे पास जो है क्या आ जाएगा लास्ट में 16/9 हमारे पास रह जाएगा। अब इसको हम काट नहीं सकते, अब इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू बना सकते हैं। देखिए अब 9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना बच गया है हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा हमारे पास 7, तो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट बनता है 1 × 7/9, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 × 7/9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा राइट। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया ये सिंप्लीफिकेशन का, तो सिंप्लीफिकेशन आपको आएगी 5 से 10 नंबर की, तो इसकी भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें तभी आपको सिंप्लीफिकेशन का आइडिया भी लगेगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन, ये आपको जो है 3 से 5 नंबर का देखने को मिलेगा मैथ के सेक्शन में राइट। तो इसके बाद चलिए हम पढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होता है इसमें एक होता है हमारे पास इक्वेशन और उसके बाद उसके बनता है फैक्टर
राइट। तो ये आपको पता होगा जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी। तो इसलिए अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास इक्वेशन में सबसे पहले हमने क्या चेक करना होता है, उसके साइन कि यहाँ पे क्या क्या साइन यूज हो रहे हैं इक्वेशन में। इक्वेशन में साइन यूज हो रहे थे माइनस और प्लस, राइट। और सेकेंड में भी क्या हो रहे थे, यहाँ पे माइनस और प्लस यूज हो रहे थे। तो इसका इससे हमें क्या पता लगा, जो हमारे फैक्टर बनेंगे उसके जो साइन आएंगे वो क्या आएंगे, प्लस प्लस आएंगे, राइट। ये कैसे आते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वेशन से फैक्टर के साइन बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास ये तो होगी इक्वेशन और फैक्टर के साइन की बात। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसके फैक्टर। तो फैक्टर निकालने के लिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे फर्स्ट में दो था तो दो को मल्टीप्लाई करेंगे हम 22 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो अब हम 15 के ऐसे कैसे फैक्टर बनाएं कि उसको मल्टीप्लाई करके क्या आए, 44 आए, और उनको प्लस करके क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से तो हमारे पास क्या रिजल्ट में आता है, प्लस करेंगे तो 15 आता है रिजल्ट में, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आता है रिजल्ट में, राइट। तो इसलिए हमारे पास इसके क्या फैक्टर बने, 4 मल्टीप्लाई बाय 11, राइट। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट में क्या दिया था, एक्स के आगे लगा था 2, तो इसको डिवाइड बाय कर देंगे 2 से, राइट। इसको भी डिवाइड बाय 2 से कर देंगे, तो हमारे पास क्या बना, इसके बाद ये बना 2, और ये क्या बना हमारे पास, इसको जब हम काटेंगे तो 5.5 हमारे पास बनेगा। तो अब हमने क्या बोला था, यहाँ पे इक्वेशन के अब साइन क्या यूज हो रहे थे, यहाँ पे इक्वेशन के साइन हो रहे थे माइनस और प्लस यूज। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, माइनस और प्लस यूज होंगे तो हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे उनके क्या बनेंगे, यहाँ पे प्लस प्लस बनेंगे। तो हमारे पास 2 भी प्लस का आएगा और 5.5 भी प्लस का आएगा। ये किसके फैक्टर बने, अभी हमारे पास एक्स के फैक्टर बन गए, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई के फैक्टर बनाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है वो है ये क्वाड्रेटिक वाली, ये हमारे पास किसकी, वाई की। तो वाई की इक्वेशन क्या दी है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में दिया था 2 और लास्ट में था 36। जब 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, यहाँ पे 72 आता है, राइट। जब 72 आएगा तो हमने अब किसके बनाने हैं, यहाँ पे 17 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उसको जो मल्टीप्लाई करके 72 आए और प्लस करके क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो यहाँ पे फैक्टर क्या बनेंगे, 8 नए कितने होते हैं, 72। तो 8 और 9 के आगे हमारे पास फैक्टर आ गए, राइट। तो अब हम क्या देखेंगे जी, इक्वेशन के साइन, इक्वेशन के साइन क्या थे, माइनस और प्लस थे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, माइनस प्लस के साइन होंगे इक्वेशन के, तो फैक्टर के क्या बनेंगे, प्लस प्लस बनेंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, प्लस 8 और प्लस 9। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में क्या था, यहाँ पे लगा था आगे 2, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, और इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4.5, राइट। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकल के आई हमारे पास +4, +4.5, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनको कंपेयर, क्योंकि हमने क्या निकालना है, इनके बीच में का रिलेशन बनाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको कंपेयर करेंगे। तो एक तरफ लिखेंगे x की वैल्यू और एक तरफ लिखेंगे y की वैल्यूज, राइट। तो x की जो वैल्यू है वो क्या क्या थी हमारे पास, +2 थी और +5.5 थी और +5.5 थी, राइट। और यहाँ पे y की क्या वैल्यू थी हमारे पास, y की वैल्यू थी +4, +4.5 और थी +4 और +4.5 थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कंपेयर। अब देखिए, जो फर्स्ट हमारे पास x की वैल्यू थी वो जो है लेस थी किससे, y से। तो यहाँ पे y ग्रेटर आ रहा था x से, और सेकंड में भी y जो है ग्रेटर आ रहा था x से। जो नेक्स्ट थी उसमें हमारे पास x ग्रेटर आ रहा था किससे, y से, और अगले में भी x ग्रेटर आ रहा था y से। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो एक में हमारे पास x ग्रेटर आ रहा था y से, और एक में हमारे पास y ग्रेटर आ रहा था x से। तो इस वाले केस में हमारे पास जो सिंबल थे वो क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, राइट। अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, नो रिलेशन बनता है, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा, नो रिलेशन। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दी थी नो रिलेशन की, तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर होगा नो रिलेशन, राइट। पता है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है रीजनिंग से रिलेटेड, राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है 5 नंबर का आएगा एग्जाम में, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए हमारे पास एक नंबर गिवन दिया है नीचे, राइट। तो ये हमारे पास नंबर है 1, 2, 3, 4, और 5 यहाँ पे दिए हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास इन नंबर के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में, कि इफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर आर एडेड देन द रिजल्ट सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे बात हो रही थी, अगर हम फर्स्ट और सेकंड डिजिट को
जो ऐड कर दें हर एक नंबर के, तो बताइए कि ऐसा कौन सा डिजिट होगा जिसका सम जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही थी अगर फर्स्ट और सेकंड डिजिट को, तो देखिए जो फर्स्ट नंबर है इसके फर्स्ट और सेकंड डिजिट को प्लस करते हैं, तो फर्स्ट डिजिट था 4, सेकंड था 9, तो इसका रिजल्ट क्या आता है 13 आता है, और सेकंड का हम क्या था 3 था प्लस 6 था, राइट। तो हमारे पास रिजल्ट क्या था 8 आता है, और नेक्स्ट नंबर का फर्स्ट और सेकेंड डिजिट क्या था, फर्स्ट था 8 सेकेंड था 7, तो हमारे पास टोटल क्या आता है यहाँ पे 15 आ जाता है, और नेक्स्ट का क्या था 5 और 6 था, तो इसका टोटल क्या आ जाता है यहाँ पे हमारे पास इसका आ जाता है 11, हमारे पास टोटल आता है 5 प्लस 6 इक्वल टू 11, और नेक्स्ट का क्या था ये हमारे पास नेक्स्ट है, इसका क्या था फर्स्ट डिजिट था 9 और सेकंड था हमारे पास 8, तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 17 आ जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास एक ऐसा नंबर था यहाँ पे 15 जो कि किससे डिवाइड हो रहा था, अब यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहा था, तो 15 किसका रिजल्ट आ रहा था हमारे पास जब हमने तीसरे नंबर को ऐड किया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा था उसका, ये आ रहा था 15, राइट। जब हमने इसके किस किस नंबर को फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 15, तो 15 जो है किससे डिवाइड होता है 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तो हमारे पास नंबर क्या निकल के यहाँ पे 873 ऐसा नंबर था जो कि एग्जैक्टली डिवाइड बाय किसके हो रहा था 5 से हो रहा था जब हमने इसके फर्स्ट और सेकंड डिजिट को ऐड किया, राइट। तो इसका राइट आंसर हो गया ये। तो इसके बाद इसी का जो है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास एक और दिया है, वो क्या दिया है, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट विद इन ईच नंबर आर एक्सचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकेंड हाइएस्ट नंबर। यहाँ पे क्या बोला है, अगर फर्स्ट और सेकेंड नंबर की हम पोजिशन चेंज कर दें तो बताइए ऐसा कौन सा नंबर होगा जो सेकेंड हाइएस्ट होगा। कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड डिजिट की हम क्या करेंगे, अब इंटरचेंज कर देंगे इनकी पोजिशन को, तो फर्स्ट में करेंगे तो फर्स्ट में आएगा 943 और सेकेंड में आएगा हमारे पास 632 और नेक्स्ट में आएगा हमारे पास 783 और नेक्स्ट में आएगा हमारे पे 657 और लास्ट में आएगा हमारे पास यहाँ पे 895। तो देखिए अब हमारे पास जब हमने इनकी फर्स्ट और सेकंड जो डिजिट है इसकी जो पोजीशन है वो इंटरचेंज की, तो हमारे पास नंबर निकल के आए ये, राइट। अब इसमें देखिए सेकंड हाईएस्ट कौन है, तो देखिए फर्स्ट हाईएस्ट बना ये हमारे पास और सेकंड हाईएस्ट कौन बना, ये बना हमारे पास 895, राइट। तो वो किसका बन रहा था हमारे पास, वो बन रहा था हमारे पास लास्ट वाले रकम का, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 985 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन इसका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वे भी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या करना है, आपने जो भी फ्रैक्शन की वैल्यू होंगी ये इनको अलग जोड़ना है, और जो इसके फ्रैक्शन के अलावा वैल्यू होगी इनका आपने अलग सम करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट क्या था 1 प्लस, यहाँ से लिया हमने 2 प्लस 2 और यहाँ पे क्या था -3, राइट। इसको अलग लिख लिया और जो फ्रैक्शन की वैल्यू है इनको हम अलग ऐड करेंगे, प्लस इसके बाद क्या था यहाँ पे 1/6 था, प्लस 1/8 था, प्लस 5/8 था, -2/3 था, राइट। ये हमारे पास दिया था। अब हम क्या करेंगे, देखिए जब हम इनको प्लस करेंगे तो है क्या आएगा, 3 से -3 करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 प्लस, तो इसके बाद हम 6, 8, 8 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 6, 8, 8 और 3 का एलसीएम हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 24 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 24, तो आप निकाल सकते हैं एलसीएम, एलसीएम तो आपको निकालना आता होगा, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया 24, तो 24 कैसे आया वो भी मैं आपको चलो बता ही देता हूँ कि कैसे आएगा। तो जब हम 2 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 आएगा, तो फिर अगेन अगर हम 4 से करते हैं तो यहाँ पे 1 आता है और यहाँ पे 3 रह जाता है, और फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 × 3 = 12 और 12 × 2 = 24, तो इसलिए मैंने क्या बोला था एलसीएम कितना है यहाँ पे 24 आ गया, राइट। तो अब आया 24, तो इसके बाद आपको कुछ लोगों को यहाँ पे परेशानी होगी कि 24 को अब ये कैसे लिख दिया। अब देखिए 6 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 24 को, होते 6 जो कि कितना होता है 24 और ऊपर था यहाँ पे 1, तो इसलिए जब हम 6 से डिवाइड करेंगे 24 को तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ऊपर आएगा 4, प्लस यहाँ से 8 से जब डिवाइड करेंगे हम किसको 24 को तो कितना आता है, 8 × 3 = 1 होता है 24, 3 आ गया हमारे पास, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 3, प्लस इसी तरीके से 24 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारे पास क्या आता है 8 × 3 = 1 होता है 24, तो 24 और यहाँ पे आ गया 3, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आएगा 15, राइट। और माइनस और यहाँ पे था नीचे 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे जब 24 को तो हमारे पास आता है 8, तो 8 दोनों कितना होते हैं यहाँ पे 16,
तो राइट यहाँ पे आ गया हमारे पास 16। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 15 और 4 19 और 3 कितने होते हैं 19 और 3 22, 22 माइनस 16 अपॉन 24। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6/24 आएगा और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/4 हमारे पास आ जाएगा राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया 1/4 हमारा राइट आंसर हो गया राइट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई होनी जो मैंने ये वाला किया, ये वाला इसको कैसे सॉल्व किया। पर जिन लोगों को एलसीएम लेके ये चीज़ सॉल्व करने आती है उनको पता लगा होगा कि मैंने ये चीज़ कैसे निकाली। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे हम इस चीज़ को निकालते हैं राइट। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन का हमारे पास, वो रहा ये। तो इसमें जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपने तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक अप्रोच आप ध्यान में रख लीजिए। जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात हो और बेस हमारे पास क्या होगा सेम होगा, तो उस केस में हमारे पास जो पावरें होती हैं ना वो क्या होती हैं प्लस होती हैं राइट। और जब भी हमारे पास बेस सेम हो और डिवाइड का केस हो राइट, तो उस वाले केस में पावरें क्या होती हैं हमेशा पावरें होती हैं जी माइनस राइट। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट। तो देखिए अब मैंने आपको बता दिया जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का केस होगा तो पावरें ऐड होगी, डिवाइड का केस होगा और बेस सेम होगा तो हमारे पास पावरें क्या होगी माइनस होगी। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, इसमें हम पहले बेस सेम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या दिया था, राइट वाली साइड की इक्वेशन में क्या दिया था 1331 का एक्स राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 1331 का जो है 11 में इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको 11 में तोड़ते हैं तो 11 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 1331 होता है। तो यहाँ पे 11 का क्यूब आ गया 1331 और इसके साथ क्या लगा था यहाँ पे डॉट का साइन लगा था, तो इसका मतलब हम इसको एक्ज्यूम कर लेंगे एक्स। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से राइट, और इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 2, वो तो हमने एज इट इज लिख दिया जो था। और इसके बाद हमारे पास क्या आ गया 11 की पावर 2 गुना 11 की पावर 2 गुना 11 की पावर 2 गुना 11 की पावर 2। अब हमारे पास देखिए क्या हुआ, मैंने फर्स्ट केस क्या बताया था, जब हमारे पास बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का केस हो तो उस केस में हमारे पास पावरें क्या होती हैं ऐड होती हैं। तो इस केस में हमारे पास देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे क्या थी फर्स्ट की पावर क्या थी 3x थी प्लस सेकेंड की पावर थी 2। ये थी हमारे पास लेफ्ट वाली इक्वेशन, और जो राइट वाली इक्वेशन है इनकी पावरें क्या थी 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 राइट। तो ये हमारे पास राइट वाली साइड की पावरें थी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आएगा 3x इजकल टू, यहाँ पे इनको प्लस करके कितना आएगा 8 आएगा, और इस 2 को हम पहली साइड ले जाएंगे तो वो माइनस का बन जाएगा -2। तो हमारे पास क्या आ गया x इजकल टू 6/3 राइट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 2 निकल के आई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर लास्ट है 2 हमारा राइट आंसर हो गया राइट। तो आई होप जो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो देखिए जो ये टॉपिक है आपके पास सिलॉजम का, ये आएगा आपको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 3 से 5 नंबर का। तो इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें राइट, और ये बहुत ही ईजी टॉपिक भी है अगर आप इसको अच्छे से करते हैं। और जो बैंक का एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको चाहिए होती है स्पीड और एक्यूरेसी राइट। तो वो कैसे बनेगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और जब आपको जो है क्वेश्चन का पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, तभी आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी और आपकी एक्यूरेसी भी बनेगी। तो इसीलिए जब भी आप प्रैक्टिस करें तो सबसे ज़्यादा जिन क्वेश्चन की ज़्यादा बीटेज है उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आपके स्कोर अच्छा हो पाएगा। तो तभी मैं वही टॉपिक कवर करता हूँ अपने मॉक टेस्ट में, जिनमें आप अच्छे से अच्छे नंबर ले सकते हैं और आपको आइडिया लगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो मॉक टेस्ट में आपको इसीलिए करवाता हूँ कि ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हमें इस टाइप के क्वेश्चन की करनी है। क्वेश्चन में क्या बोला है सिलॉजम के, तो इसमें हमारे पास जब भी सिलॉजम का क्वेश्चन आएगा इसमें एक स्टेटमेंट रहेगी और एक हमारे पास कंक्लूजन रहेगा। स्टेटमेंट के बेस के ऊपर हम बनाते हैं जी वेन डायग्राम राइट। जब हमारा वेन डायग्राम बन जाएगा तो उसके बेस के ऊपर हम चेक करेंगे कंक्लूजन को कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू है और कौन सा फॉल्स है राइट। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। ओनली बकेट्स आर नोटबुक्स, यहाँ पे बोल रहा है ओनली बकेट्स आर नोटबुक। तो आपको एक चीज़ पता होने चाहिए कि ओनली जो का जो केस होता है वो किसका रिवर्स होता है, ऑल का रिवर्स क्या होता है ओनली होता है राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल जो नोटबुक हैं वो क्या होंगी यहाँ पे बकेट के अंदर आएंगी राइट। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और सेकंड क्या बोल रहा है, ओनली अ फ्यू बकेट्स आर पेन राइट। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम का केस,
जब भी आपके पास ऐसा लिखा होगा ओनली अ फ्यू बकेट्स आर पेन लिखा था यहाँ पे, तो ओनली फ्यू का मतलब होता है सम का केस, राइट। तो ये चीजें आपको जो है आनी चाहिए कि ओनली का केस होगा और ओनली अ फ्यू का केस होगा। तो ये सब चीजें आपको तभी क्लियर होंगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसके बाद हमारे पास क्या बोला था यहाँ पे, ओनली फ्यू बकेट्स आर पेन्स, तो यहाँ पे क्या बोला था, सम बकेट्स आर पेन, ये हमारे पास बोला था, राइट। ये हमारे पास बन गया सम पेन आर बकेट्स। अब हम क्या करेंगे, कंक्लूजन को चेक करेंगे। तो कंक्लूजन फर्स्ट क्या बोल रहा है, सम बुक कैन बी पेन, तो जब भी कैन बी का केस होगा तो वो क्या होता है हमारे पास, पॉसिबिलिटी का केस होता है। कैन बी किसके लिए यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम नोटबुक कैन बी पेन, तो यहाँ पे बात होती कि क्या कुछ जो हमारे पास नोटबुक है वो पेन है। तो देखिए हमारे पास पॉसिबिलिटी का केस कब बनता है, जब भी हमारे पास उनके बीच में कोई रिलेशन दिया हो। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं था नोटबुक और पेन के बीच में, तो हम कुछ नहीं बोल सकते, हमें डाउट है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जब भी हमें डाउट हो कुछ भी हो तो उस वाले केस में हमारे पास ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, राइट। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद पढ़ते हैं सेकेंड कंक्लूजन, तो वो क्या बोल रहा है, सम बकेट आर नॉट पेन इज पॉसिबल, तो वो बोल रहा है कि कुछ जो बकेट हैं वो क्या हमारे पास पेन नहीं है और वो पॉसिबिलिटी है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे बकेट और पेन के बीच में क्या दिया था, ओनली अ फ्यू बोला था, ओनली और फ्यू का केस होगा तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कभी भी फॉलो नहीं करेगी, राइट। क्योंकि इन दोनों के बीच में एक डेफिनेट रिलेशन था, सम का रिलेशन था, राइट। तो यहाँ पे नॉट वाली कंडीशन थी तो ये भी हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी। जब भी सम का केस होगा तो नॉट वाली कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसलिए हमारे पास ना स्टेटमेंट फर्स्ट फॉलो की ना सेकेंड फॉलो की, तो हमारा राइट क्या आंसर होगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, राइट। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, वो रहा हमारे पास ये जो ये वाला क्वेश्चन है, हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और ये भी आपको 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, राइट। तो इसलिए मैंने इसका सिर्फ एक क्वेश्चन लिया है, पर इसके ऊपर बनते हैं जी 5 क्वेश्चन, पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि आपको पता हो कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इन टाइप के क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सभी तभी मैंने हर एक जो टॉपिक है उससे एक एक क्वेश्चन उठाया है और ताकि उससे आपको आइडिया लगे, तो इसलिए मैंने मॉक टेस्ट को भी आपको सॉल्व करवाया। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या बोला है, ये हमारे पास कोड दिए हैं, कुछ यहाँ पे वर्ड दिए हैं, उनके यहाँ पे कोड लिखे हैं, राइट। और हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर इजी, तो हमने क्या निकालना है यहाँ पे, इजी का कोड निकालना है। अगर आपने हमारी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास देखी होगी तो उसमें हमने, तो इसमें हम यूज़ करते हैं कुछ सिंबल, तो सिंबल हो सकते हैं हमारे पास सर्कल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेलल लाइन हो सकती है, सिंगल लाइन हो सकती है और क्रॉस हो सकता है, राइट। तो हम कोई भी सिंबल यूज़ करेंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमें दूर से पता लग जाए कि इस वाले जो हमारे पास वर्ड है इसका जो कोड है वो ये है। क्योंकि अगर आप क्या करेंगे, एक एक वर्ड लिखेंगे फिर उसके बाद उसका कोड लिखेंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो फर्स्ट क्या पूछा था पे, इजी का जो है हमारे पास कोड पूछा था। तो अब हम देखेंगे जो हमारे पास कोड दिए हैं यहाँ पे ये और वर्ड दिए हैं, इनमें इजी कहाँ कहाँ आ रहा था। तो देखिए हमारे पास जो ये सेकंड स्टेटमेंट थी इसमें हमारे पास इजी यहाँ पे आ रहा था, पर यहाँ पे देखिए हमारे पास, हमें पता नहीं है कि बाकी और किसी भी स्टेटमेंट में इजी नहीं आ रहा था। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा जो 3 वर्ड बच जाते हैं ये वाले, तो इनका कोड हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे था दिस, तो देखिए हमारे पास दिस और कहाँ पे कॉमन था, तो इस वाले केस में यहाँ पे दिस था और लास्ट वाली स्टेटमेंट में भी दिस था, और कोई भी इन दोनों के बीच में फर्स्ट और जो हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट थी इनके बीच में दिस दिस कॉमन था। और देखिए अब हमारे पास कोड क्या कॉमन है इनके बीच में, तो देखिए हमारे पास इनके बीच में जो है कोड कॉमन था SI, तो SI हमारे पास कोड कॉमन था। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन का यूज़ किया है, सिंगल लाइन का यूज़ क्यों किया, ताकि हमें पता लग जाए कि दिस का कोड क्या है, सिंगल लाइन वाला SI है, राइट। तो यहाँ पे दिस का कोड पता लग गया। इसके बाद सेकेंड ही हमारे पास वर्क, तो देखिए वर्क कहाँ कहाँ हमारे पास कॉमन था, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट ये फर्स्ट थी और ये स्टेटमेंट सेकंड थी, राइट। तो इन दोनों के बीच में जो है क्या था कॉमन, हमारे पास वर्क कॉमन था, यहाँ पे वर्क था और यहाँ पे वर्क था। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके ऊपर सर्कल यूज कर लेंगे, वर्क के ऊपर सर्कल किया, इसके ऊपर भी सर्कल किया, तो वर्ड का हमें पता लगे कॉमन कौन था। तो अब हम फाइंड करेंगे इनके बीच का जो कॉमन कोड होगा, तो देखिए इनके बीच कोड क्या कॉमन था, यहाँ पे दी लिखा था, तो दी के ऊपर भी मैंने सर्कल किया, यहाँ पे दी लिखा था, दी के ऊपर सर्कल किया, राइट। तो हमें वर्क का कोड पता लग गया दी। तो इसी तरीके से अब हम फाइंड करेंगे इज का कोड, तो देखिए इज यहाँ पे आ रहा था और कहीं पे हमारे पास इज नहीं आ रहा था। तो देखिए हमारे पास कोई भी ऐसी यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं थी
जिसमें इज आ रहा था। तो देखिए हमारे पास इज और इजी जो है वो इसी स्टेटमेंट में आ रहे थे, तो हमारे पास कोड क्या बचा है यहाँ पे, एल आई और के आई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आइदर एल आई और के आई, राइट। तो इसीलिए देखिए अब इसी क्वेश्चन से मैंने आपको कितने कोड सिखा दिए। अब आपसे कोई पूछे सीधा यहाँ पे जाके कि वर्ड का कोड बताइए, तो आप बता सकते हैं कि वर्ड का कोड क्या होगा, डी होगा, राइट। और इसी तरीके से अब आपसे पूछे कोई दिस का कोड बताइए, तो आप दिस का कोड डायरेक्टली बता सकते हैं, दिस का कोड क्या होगा यहाँ पे, ऐसा ही है, राइट। तो यही क्वेश्चन ड्राइव होता है कि यहाँ पे वर्ड दिया होता है उसका कोड बताइए, राइट। तो आई होप ये आपको चीज़ समझ आ चुकी होगी कि कोडिंग डिकोडिंग में कैसे क्वेश्चन ड्राइव होते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, राइट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वो रहा ये, इसमें क्या बोला, ये हमारे पास डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन आपको 3 से 5 नंबर की देखने को मिलेगी एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है, शिवानी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड साउथ डायरेक्शन एंड वॉक फॉर 10 मीटर टू रीच पॉइंट बी। तो शिवानी जो है पॉइंट ए से वॉक करना स्टार्ट करती है और किस डायरेक्शन में करती है, साउथ डायरेक्शन में, और कितना चलती है, 10 मीटर चलती है और पहुंचती है किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे पहुंचती है। आगे क्या बोला है, सी टेक्स 2 कंसेक्यूटिव राइट। तो वो एक साथ क्या करती है, 2 कंसेक्यूटिव राइट लेती है, एक बार राइट लेती है फिर दोबारा से वो राइट लेती है। तो बी पॉइंट का राइट कहाँ पे होगा, देखिए बी पॉइंट का राइट होगा ये और लेफ्ट होगा ये। तो यहाँ से क्या लेती है, वो 2 कंसेक्यूटिव राइट लेती है। तो फर्स्ट राइट लेती है तो वो कितना चलती है यहाँ पे, 5 मीटर चलती है। फिर अगेन वो जो है राइट टर्न करती है और कितना चलती है यहाँ पे, 6 मीटर चलती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था कि सी टेक्स 2 कंसेक्यूटिव राइट टर्न फ्रॉम पॉइंट बी एंड वॉक 5 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। अब उसके बाद क्या बोला उन्होंने, फाइनली सी टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 2 मीटर टू रीच पॉइंट ई। तो यहाँ पे क्या करती है, वो जब वो इस वाले पॉइंट पे पहुँचती है यहाँ पे, तो इस वाले पॉइंट से वो क्या करती है, यहाँ पे जाके वो लेफ्ट टर्न लेती है। तो देखिए इस वाले डायरेक्शन में हमारे पास ये इसका राइट होगा, इसका लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट जाती है। फिर उसके बाद वो कितना चलती है, 2 मीटर चलती है। 2 मीटर जाने के बाद पॉइंट किस पे पहुँच जाती है, यहाँ पे ई पॉइंट पे पहुँच जाती है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोला है, सी अगेन स्टार्ट वॉकिंग एंड टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 12 मीटर। तो ई के पास पहुंचने के बाद वो क्या करती है, लेफ्ट टर्न लेती है। तो ई का लेफ्ट कहाँ पे आएगा और राइट कहाँ पे आएगा, ई देख रहा है इस टाइम बेस्ट डायरेक्शन में, तो इसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। तो लेफ्ट डायरेक्शन में वो चलती है और कितना चलती है, वो 12 मीटर चलती है, राइट। तो उसके बाद क्या बोला है कि वो जो है 12 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे पहुंच जाती है। तो उसके बाद क्या करती है, वो लेती है जी राइट टर्न। तो देखिए इस वाले डायरेक्शन में यहाँ पे साउथ डायरेक्शन, तो इसका राइट कहाँ होगा ये और लेफ्ट कहाँ होगा ये होगा। तो उसके बाद वो कितना चलती है, यहाँ पे बोला वो 5 मीटर चलती है और डी पॉइंट पे पहुँच जाती है, राइट। तो सारी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमारा डायग्राम रेडी है। हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड ई। तो बताइए कि डी जो पॉइंट है ये वाला और ई जो पॉइंट है इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए। तो अब हम आपको पता होगा यहाँ से लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ए सी क्या आएगा, डी और ई हमारे पास आ गया यहाँ पे ए सी, राइट। और यहाँ पे हमारे पास ए और बी क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डी और हमारे पास यहाँ पे ये इस पॉइंट को मान लेते हैं एक्स, राइट। डी और एक्स हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस बी और सी क्या लेंगे हम, एक्स और ई को हम ले लेंगे यहाँ पे, एक्स और ई को ले लेंगे हम बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लिया बी सी का स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद देखिए हमारे पास हमने निकालना क्या था, डी और ई के बीच का डिस्टेंस निकालना था। तो यहाँ पे डी और एक्स क्या दिया था, डी और एक्स यहाँ पे था 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस और यहाँ पे एक्स और ई क्या बीच का डिस्टेंस कितना था, 12 मीटर था। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर देंगे तो इनका कितना आ जाएगा, 169, राइट। तो यहाँ पे क्या था, डी ई का स्क्वायर, तो डी ई क्या आ गया यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 169, तो ये कितना होता है, 13 इसका अंडर रूट होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, डी और ई के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे, 13 हो चुका है, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 13 हो गया।
तो ये था हमारे पास डायरेक्शन का क्वेश्चन, और डायरेक्शन के क्वेश्चन आपको बनेंगे 3 से 5, राइट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्शन की भी प्रैक्टिस कीजिए। तो इसको जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वो है इनइक्वालिटी से, तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन रहा ये। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक होते हैं हमारे पास स्टेटमेंट और दूसरे होते हैं कंक्लूजन। तो हम चेक करते हैं कंक्लूजन को स्टेटमेंट में कि कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, इनके बीच के बीच में सिम्बल को चेक करते हैं, राइट। अगर आपने इनइक्वालिटी पर नहीं अच्छे से तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, तो उसको आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया था, हमारे पास दो स्टेटमेंट दी थी, ये वाली स्टेटमेंट अलग थी और ये वाली स्टेटमेंट अलग थी। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोली थी, यू इज इक्वल टू एस ग्रेटर देन इक्वल टू जी, और यहाँ पे देखिए सेकंड में क्या वेरिएबल कॉमन था, यहाँ पे जी कॉमन था, फर्स्ट में भी जी कॉमन था, तो इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। तो जी ग्रेटर देन एफ लिखा था और एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लिखा था और एक्स ग्रेटर जे लिखा था, राइट। तो दोनों अब हमारे पास स्टेटमेंट जो है कंबाइन हो चुकी हैं। तो अब हम देखेंगे कंबाइन करने के बाद कि कंक्लूजन क्या क्या पूछा है। तो कंक्लूजन फर्स्ट पूछा है यू ग्रेटर टू जे, जो यू है वो क्या ग्रेटर जे है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे यू और जे की बात हो रही है, राइट। तो यू और जे के बीच में देखिए अब हमारे पास सिंबल क्या क्या यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे यूज़ हो रहा था इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर। तो हमारे से जब भी किससे बात की थी, अब यू से बात की थी जे की तरफ, अब हम यू से चलेंगे जे की तरफ। तो उस डायरेक्शन में देखिए हमारे पास यू और जे के बीच में कौन सा सिंबल सबसे बड़ा आ रहा था, तो यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल बड़ा आ रहा था। तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। तो जब भी हम देखते हैं कि जब हम हमारे पास जो सिंबल होते हैं उनमें ग्रेटर हो तो हम ग्रेटर को प्रायोरिटी देंगे, अगर यहाँ पे ग्रेटर नहीं होता तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू को प्रायोरिटी देते, अगर वो भी ना होता तब हम देते इक्वल टू को प्रायोरिटी। पर यहाँ पे ग्रेटर का साइन इन के बीच में बड़ा था तो इसलिए हमने ग्रेटर को प्रायोरिटी दी, तो इसलिए हमारे पास कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो ट्रू हुआ। अब देखते हैं सेकेंड कंक्लूजन को, सेकेंड कंक्लूजन क्या बोलता है कि एस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही थी एस और एक्स की, राइट। तो अब हम स्टेटमेंट में जाके देखेंगे किस किस की बात हो रही थी, एक्स और एस की बात हो रही थी और इन दोनों के बीच में सिंबल क्या यूज हो रहे थे। तो एक हो रहा था ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। तो ये तीन सिंबल के बीच में यूज हो रहे थे। पर देखिए अभी यहाँ पे कौन सा जो सिंबल है दोनों के बीच में बड़ा आ रहा था, वो ग्रेटर का बड़ा आ रहा था और यहाँ पे पूछा था ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो इसलिए हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। हम क्योंकि एस से किस तरफ जा रहे हैं, एक्स की तरफ जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में बड़ा सिंबल कौन यूज हो रहा था, ग्रेटर का हो रहा था। तो इसलिए हमारे पास जो सेकेंड कंक्लूजन है वो फॉल्स हो गया। तो इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलो, राइट। तो देखिए अब आता है हमारे पास लास्ट नंबर क्वेश्चन। तो लास्ट नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, इस वाले क्वेश्चन में एक हमारे पास सीरीज दी होती है ऐसे, और इसमें हमारे पास कुछ जो है नंबर यूज़ किए होते हैं और अल्फ़ाबेट यूज़ किए होते हैं और उसके बाद कुछ हमारे पास सिंबल यूज़ किए होते हैं, उनके बेस के ऊपर हमारे से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पेपर में आपको 5 मार्क्स का आएगा, राइट। तो देखिए इसमें क्या पूछा क्वेश्चन में, अब हमारे पास ये दिया है यहाँ पे सीरीज एक और इसके बेस के ऊपर दिया है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 8 टू द राइट ऑफ 14th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे क्या बात हो रही थी कि बताइए जो कि 14th एलिमेंट है कि कहाँ से, लेफ्ट एंड से, तो उसके 8 राइट में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है। तो सॉल्व करते हैं हम कि देखिए हमारे पास क्या दे रहा था, यहाँ पे लेफ्ट से कितना था, तो वो 14 था, राइट। अगर लेफ्ट के 14 के बाद यहाँ से लेफ्ट के 14 के बाद उसका राइट देखें तो लेफ्ट के ये पर्सन यहाँ पे आएगा, तो उसका राइट कहाँ पे आएगा, उस इस डायरेक्शन में उसका राइट आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो उसके बाद राइट में कितना पूछा था, 8 पूछा था, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर लेफ्ट प्लस राइट को 14 + 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 22 आ गया, राइट। अब हमारे पास हमें पता लग गया 22 तो उसकी पोजीशन होगी, पर कहाँ से होगी, अब लेफ्ट से देखेंगे या राइट से देखेंगे। तो यहाँ पे जब भी आपके पास ऐसा दिया होगा तो जब भी जो लास्ट में लिखा होगा लेफ्ट एंड लिखा यहाँ पे, तो उस एंड से आप चेक करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट एंड की बात हो रही थी तो अब हम चेक करेंगे लेफ्ट एंड से। तो देखिए लेफ्ट एंड से 22 एलिमेंट कौन आ रहा था,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस और बाईस। तो कौन आ रहा था यहाँ पे? पी आ रहा था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड थी, जो हमारा राइट आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो ये था मॉक टेस्ट 5 जो हमने आज सॉल्व किया। तो आई होप ये मॉक टेस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क एग्ज़ाम के लिए, राइट। और अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो मैं उसका आंसर आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। और इस जो मॉक टेस्ट है इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।